नमस्ते, मैं अंकित जैन और आप देख रहे हैं ऑल्ट न्यूज। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का एक वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है, जिसके बाद आधार का कार्ड और वहां टोल है तो आधार का कार्ड देखकर मानकर उसको तुरंत पास इशू किया जाए। तो मैं सजेशन मान्य करता हूँ, जहां भी ऐसे टोल बने और वहां के स्थानीय लोगों की अड़चन होती है, आधार कार्ड को लेकर पास बनाकर देंगे। दूसरा एक है कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूं पर पैसे मिलते इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो। हाँ, ये इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने, बोले जी ने बहुत। अब मैं बता रहा हूं कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा। कई सोशल मीडिया यूजर्स ये वीडियो ट्वीट कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति टोल प्लाजा के 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर रहता है तो उसे टोल टैक्स नहीं देना होगा। वेरिफाइड एक्स हैंडल आदिवासी समाचार ने भी ये वीडियो ऐसे ही क्लेम के साथ पोस्ट किया है। बहरहाल ऑल्ट न्यूज ने कथित वीडियो की छानबीन शुरू करी। हमने पाया कि 22 मार्च 2022 को नितिन गडकरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर कथित भाषण का पूरा वीडियो शेयर किया गया था। इस वीडियो में नितिन गडकरी कुछ सांसदों के सुझाव के जवाब में कहते हैं कि टोल प्लाजा के आसपास स्थानीय लोगों को आधार कार्ड देखकर पास इशू किया जाए। और आप लोगों ने भी कल मुझे सुझाव दिया ना, मैंने 2 सुझाव आपके स्वीकार किए। एक किसी ने कहा, मैं नाम भूल रहा हूँ, अध्यक्ष महाराज, उनने कहा आधार कार्ड के ऊपर, शायद श्रीनिवास पाटिल जी ने कहा था, आधार के कार्ड के ऊपर, जिसके बाद आधार का कार्ड और वहां टोल है तो आधार का कार्ड देखकर मानकर उसको तुरंत पास इशू किया जाए। तो मैं सजेशन मान्य करता हूं, जहां भी ऐसे टोल बने और वहां के स्थानीय लोगों की अड़चन होती है, आधार कार्ड को लेकर पास बनाकर देंगे। इसके बाद उन्होंने दूसरे सुझाव का जिक्र करते हुए कहा कि 60 किलोमीटर के भीतर 2 टोल प्लाजा नहीं हो सकते, ये गैर कानूनी है। दूसरा एक है कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूँ पर पैसे मिलते इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो। हाँ, ये इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने, बोले जी ने बहुत। अब मैं बता रहा हूँ कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाए, क्योंकि लोगों को जरूर है कि हमें पैसा भी चाहिए, इसका मतलब लोगों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। ये दोनों बयान 2 अलग-अलग सुझावों के आधार पर है, इसलिए ये दावा पूरी तरह से भ्रामक है कि अगर कोई टोल प्लाजा के 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर रहता है तो उसे टोल टैक्स नहीं देना होगा। धन्यवाद।